हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क मीन्स कंप्यूटर अवेयरनेस के बेस्ट 40 MCQs पर। 40 क्वेश्चंस का सामना ही आपको एग्जाम में करना होगा, तो आप इस सेशन को एग्जाम बिफोर एग्जाम मान के चलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और ये 40 क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे और इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से फ्रेम आउट किया गया है जैसे कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, सेम वही पैटर्न है। तो यहाँ पर आप आउट ऑफ 40 कितना स्कोर कर पाते हैं ये भी आप हमें शेयर करके जरूर बताइएगा। तो आई थिंक यू ऑल आर रेडी, आप सब तैयार हैं इस सेशन के लिए। चलिए देखते हैं बेस्ट 40 MCQs, हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जिनको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है कंप्यूटर सब्जेक्ट में, जिनको लग रहा है कि कंप्यूटर में वो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे या 95% तक स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो वो तुरंत इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। ड्रीम बैच है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें 35 क्लासेस में पूरे कंप्यूटर को कॉन्सेप्ट वाइज और MCQ वाइज कवर कर दिया गया है। अगर आप एग्जाम से पहले इन 35 लेक्चर्स को एक बार देख लेते हैं, इनकी PDF को पढ़ लेते हैं, तो ये गारंटी है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर ना पाएं या जो आपको नहीं आता हो। तो 100% गारंटी के साथ में ये बैच ड्राफ्ट किया गया है, बहुत ही प्यार से इसको बनाया गया है, जहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की गई है और MCQs की बात की गई है। RRB ओरिएंटेड है, तो 2 से 3 दिन अगर आप पूरे कंप्यूटर को देते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर आप इस बैच में जितने भी वीडियोज हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, 6 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, चैप्टर वाइज आपको PDF मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेगा और कंप्यूटर कैप्सूल मिलेगा, जिसे आप कुछ ही घंटों में एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें कि आप इस बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए, कोई भी कंफ्यूजन के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के सेशन के बेस्ट 40 क्वेश्चंस। हैव अ लुक गाइस। अ फ्री ओपन सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप वाज देन डेवलप्ड कॉल्ड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है IBPS का। कह रहा है कि आपको बताना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है, और ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी ब्राउजर हैं, और ब्राउजर भी एक तरीके के क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको बताना है इन ब्राउजर्स में से कौन सा ब्राउजर ओपन सोर्स है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा ब्राउजर तो सभी ओपन सोर्स हैं, तो इस केस में मैक्सिमम कैंडिडेट आंसर लगाकर आते हैं ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उनको लगता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला, गूगल क्रोम, ये सभी तो ओपन सोर्स हैं, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा मोजिला फायरफॉक्स, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है नेटस्केप की। तो नेटस्केप के द्वारा जो बनाया गया है, जो इनिशिएटिव लिया गया है, वो है मोजिला फायरफॉक्स, और यही एक ऐसा ब्राउजर है जो पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कोई भी अपडेशन जो भी आता है वो फ्री होता है। कोई भी अलग से अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका फ्री रहता है, किस केस में, मोजिला फायरफॉक्स के केस में। तो याद रखिएगा, कभी भी ओपन सोर्स ब्राउजर पूछें या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूछें तो आंसर क्या होगा, मोजिला होगा। नेक्स्ट देखिए, विच चिप कंटेन्स द सिस्टम बायोस एंड कैन होल्ड डेटा परमानेंटली इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी जाने पर भी डेटा होल्ड करके रख पाए ऐसी मेमोरी कौन सी है, ऐसा सिस्टम बायोस कौन सा है। तो विच चिप कंटेन्स द सिस्टम बायोस, उस चिप का नाम आपको बताना है जो सिस्टम बायोस को होल्ड करके रखती है। अब देखो, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इस केस में आंसर बनता है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। लेकिन आप देखें क्वेश्चन में 2 जगह रोम लिखा हुआ है, एक तो नॉर्मल रोम लिखा हुआ है और एक फ्लैश रोम लिखा गया है। तो जब भी रोम के साथ में आपको फ्लैश रोम मिलता है तो आंसर हमेशा क्या होगा, फ्लैश रोम होगा, रोम नहीं। तो इसका मतलब कि वो चिप जिसमें बायोस को स्टोर करके रखा जाता है, वो चिप कौन सी है, तो आंसर है दैट चिप इज कॉल्ड फ्लैश
रीड ओनली मेमोरी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर फ्लैश रोम ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपका रोम होगा, लेकिन अगर फ्लैश रोम ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमेशा हम प्रायोरिटी जो देंगे वो किसको देंगे, फ्लैश रोम को देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वेयर डू मॉडर्न पीसीज स्टोर सीमॉस सेटिंग। कह रहा है जो आजकल के पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें जो सीमॉस की सेटिंग है वो कहाँ पर स्टोर होती है। तो सीमॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक सेल होता है जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप किसी में भी लगा हो सकता है, और इसी की मदद से आपको डेट और टाइम दिखता है कंप्यूटर पे, जिसको हम बोलते हैं सीमॉस। और यहीं पर आपकी बायोस की सेटिंग भी होती है सीमॉस में ही। तो कह रहा है मॉडर्न कंप्यूटर्स में सीमॉस की सेटिंग कहां पर स्टोर होती है, बायोस में, फ्लैश रोम में, एनवी रैम में, साउथ ब्रिज, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा, रोम होगा। रीड ओनली मेमोरी में आपकी बायोस यानी सीमॉस की सेटिंग आपकी सेव होती है, तो आंसर यहां पर क्या होगा, रोम। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि रोम में जब प्रायोरिटी की बात करते हैं तो आंसर क्या होगा, फ्लैश रोम होगा, और यहां पर तो रोम दिया भी नहीं है, तो क्लियर कट इसका आंसर क्या होगा, फ्लैश रोम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज पोस्ट, पोस्ट क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जितने भी कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं, जितने भी कंप्यूटर के ड्राइवर्स हैं, वो सब ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। हमें बूट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सारा काम कंप्यूटर खुद ब खुद करता है, और इसी को बोला जाता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो आंसर होगा थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज पोस्ट लोकेटेड। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है ये कहां पर लोकेट होता है, सिस्टम रोम, सीमॉस, पोस्ट एक्सपेंशन कार्ड, रैम, या नन ऑफ दीज। एक चीज याद रखिएगा कि जिस समय भी आपका सिस्टम बूट होता है तो बूटिंग करने के लिए जो मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है वो रोम होती है। तो अगर कभी भी आपसे बूटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमेशा आंसर क्या होगा, रोम होगा। लेकिन अगर बूटिंग के टाइम ड्यूरेशन पर पूछ रहा है कि आपकी फाइल्स कहां से कहां ट्रांसफर होती हैं, तो बूटिंग के दौरान जब सिस्टम बूट होता है तो आपकी फाइल्स हार्ड डिस्क से रैम में लोड होती हैं। तो बस रैम का खाली इतना ही काम होता है बूटिंग में, बाकी जितना भी बैकएंड का प्रोसेस है बूटिंग में वो सब रोम के द्वारा ही होता है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने पर कौन काम करेगा, रोम काम करेगा। तो आंसर यहां पर क्या होगा, सिस्टम रोम इज द करेक्ट वन। समझ गए। तो बायोस की बात हो या पोस्ट की बात हो या सीमॉस की बात हो, इन सभी केसेस में आपका आंसर रोम होगा या फिर फ्लैश रोम होगा एज पर दी प्रायोरिटी इज कंसर्न। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग दी नॉर्मल पीसी बूट प्रोसेस विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एक्टिव फर्स्ट। कह रहा है जिस समय आपका पर्सनल कंप्यूटर बूट करता है, स्टार्ट होता है, उस समय इसमें से कौन सा प्रोसेस सबसे पहले एक्टिवेट होता है, रैम बायोस, सीमॉस, रोम बायोस, हार्ड डिस्क इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो बूटिंग के समय पर कौन सा प्रोसेस सबसे पहले एक्टिवेट होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी बूटिंग के बारे में बात कर रहे होंगे और बैकएंड प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होंगे तो आंसर क्या होगा, रोम होगा। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा रोम, बायोस, ये सबसे पहले आपका एक्टिवेट होगा बूटिंग प्रोसेस के दौरान। राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कुड कॉज अ फिक्स्ड डिस्क एरर। कह रहा है जो फिक्स्ड डिस्क एरर है ये कब आती है आपके सामने, कंप्यूटर में कई बार ये एरर देखने को मिलती है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये फिक्स्ड डिस्क की एरर कब आती है, क्यों आती है, तो आंसर है इनकरेक्ट सीमॉस सेटिंग। जब सीमॉस की सेटिंग गड़बड़ाती है, जब डेट और टाइम मिसमैच होता है, गलत होता है, उसी समय आपकी जो एरर आती है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डिस्क एरर। तो आपको ये याद रखना है कि फिक्स्ड डिस्क एरर जो है वो सीमॉस सेटिंग के दौरान ही आती है, अगर उसमें कोई इनकरेक्ट चीज या इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं तभी आपकी जो एरर आती है वो क्या आती है, फिक्स्ड डिस्क एरर की। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ डिजिटल कैमरा इज अ डैश टाइप ऑफ डिवाइस। जो कैमरा है वो किस तरीके की डिवाइस है, चाहे वो डिजिटल कैमरा हो या फिर वेब कैमरा हो, कोई भी कैमरा लिखा हो
तो आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग बताइए। आउटपुट है सॉफ्टवेयर है, इनपुट है स्टोरेज है, या इनपुट एंड आउटपुट बोथ है, क्या लगता है आपको? तो कैमरा हमेशा क्या करता है, इनपुट लेता है। तो कैमरा कभी भी दिया हो, कोई भी कैमरा गिवेन हो, तो आंसर क्या होगा, दैट इज इनपुट डिवाइस, थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, टच स्क्रीन इज, टच स्क्रीन जैसे मोबाइल फोन्स टच स्क्रीन है, एटीएम की जो स्क्रीन है वो भी टच स्क्रीन होती है आजकल, तो ये टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है, इनपुट है आउटपुट है, प्रोसेसिंग स्टोरेज या इनपुट एंड आउटपुट बोथ। टच स्क्रीन की बात करें तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, इनपुट और आउटपुट बोथ बनने वाला है, क्योंकि टच स्क्रीन इनपुट के तरीके से भी काम करती है, क्योंकि ये स्क्रीन है तो ये आउटपुट के तरीके से भी काम करती है। तो टच स्क्रीन के केस में याद रखिएगा आंसर क्या होगा, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की यूनिट्स यहां पर गिवन है और इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। तो टेराबाइट किलोबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट ये गिवन है। आप जानते हैं कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, किलोबाइट देन मेगाबाइट देन गीगाबाइट देन टेराबाइट। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम देखें तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि किलोबाइट देन मेगाबाइट देन गीगाबाइट देन टेराबाइट, है ना, अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो यही हमारा वैलिड है, तो थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरीज, कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। रोम तो रीड ओनली मेमोरी है, ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती, रोम नहीं होगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, और ये रीड और राइट दोनों ही ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, तो आंसर क्या होगा, रैम यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट, यानी ये 1 बिलियन बाइट के बराबर है, इसे क्या बोलेंगे, किलोबाइट बिट गीगाबाइट मेगाबाइट या नन ऑफ दीज, बताइए 1 मिलियन बाइट के बराबर। कई बार ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है, तो 1 बिलियन अगर दें तो याद रखिएगा कि आंसर क्या होगा, जीबी होगा, गीगाबाइट होगा, जीबी होगा, तो आंसर यहां पर आपका बनेगा थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट, अभी बिलियन बाइट की बात हो रही थी तो जीबी था, मिलियन बाइट की बात होगी तो याद रखिएगा एम से एम को मैच कर दीजिएगा, तो मिलियन का मतलब क्या है, एमबी, मेगाबाइट, तो एम से एम को मैच करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, मिलियन बाइट मिल जाएगा, याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, दिस मेमोरी हैज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, कह रहा है इस मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, मतलब ये फास्टेस्ट मेमोरी है, ये बहुत जल्दी डेटा को रिट्रीव कर लेती है। तो एक्सेस टाइम शॉर्ट होने का मतलब क्या है, याद रखिएगा इसका मतलब होता है इनमें से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। तो आप जानते हैं कि फास्टेस्ट मेमोरी में सबसे पहले हम ऑप्शन में ढूंढेंगे किसको, रजिस्टर को, क्या रजिस्टर दिया हुआ है, नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे कैश मेमोरी को, क्या कैश मेमोरी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अगर कैश मेमोरी भी गिवन ना होता तो फिर हम देखते किसको, रैम को। तो थर्ड नंबर पर रैम का नंबर आता है, लेकिन यहां पर आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज कैश मेमोरी इज दी शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम और फास्टेस्ट मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है। हैंडहेल्ड का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम्स, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका इस्तेमाल हम हैंड की मदद से करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो काफी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल फोन, जैसे लैपटॉप टैबलेट्स, ये सब आपके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में काउंट होते हैं। और हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूज होता है वो डिवाइस कौन सी है, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम या पीडीए। करेक्ट आंसर यहां पर होगा पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पीडीए की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। नेक्स्ट, द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, कह रहा है जब भी हमें मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर
की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना हो, यानी इनका इस्तेमाल करना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए? टर्मिनल का, नोड का, डेस्कटॉप का, हैंडहेल्ड का, या फिर नन ऑफ दीज का? तो आंसर यहां पर बनेगा टर्मिनल। टर्मिनल की मदद से हम मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। तो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। कह रहा है जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर मतलब जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो ये वही कंप्यूटर्स हो गए जो हम और आप यूज करते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स के तीन बेसिक कैटेगरीज फिजिकल इक्विपमेंट की आपको बतानी है। तो आप सोच के देखिए कि हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसमें क्या क्या है। उसमें मेमोरी लगी हुई है जिसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, या जिसमें सीपीयू लगा हुआ है जिसे हम सिस्टम यूनिट की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट भी है और इसमें एक सेकेंडरी स्टोरेज भी है। तो कभी भी तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस पूछें या तीन बेसिक कैटेगरी पूछी जाए माइक्रो कंप्यूटर की, तो आंसर क्या होगा? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग कीज विच आर नॉट ऑन द नंबर पैड। नम पैड या नंबर पैड की बात करें जहां से आपके नंबर्स इनेबल हो जाते हैं कीबोर्ड पर, तो वो जो नम पैड होता है उसमें कौन सी कीज आपकी अवेलेबल नहीं होती? एंटर, कंट्रोल, डेल यानी डिलीट, नम लॉक या नन ऑफ दीज। सोच के देखिए कि नम लॉक की तरफ या नंबर पैड में कौन सी कीज आपकी नहीं होती है। तो एंटर तो होती है, कंट्रोल की नहीं होती, डेल यानी डिलीट की भी होती है, नम लॉक की भी होती है, लेकिन कंट्रोल की आपकी नहीं होती। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विजुअल बेसिक वॉज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किससे डिराइव किया गया, किस लैंग्वेज से लिया गया है, ये आपको बताना है। बेसिक, अलगोल, पर्ल, सी प्लस प्लस या नन ऑफ दीज। तो विजुअल बेसिक में ही उसका नाम छुपा हुआ है, बेसिक। तो बेसिक यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। और बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट, विजुअल बेसिक में हमने आपको यह भी बताया था कि मैक्रोस किसकी मदद से बनते हैं? विजुअल बेसिक की मदद से बनते हैं। और मैक्रोस का यूज क्यों किया जाता है? रिकॉर्डिंग के पर्पस से किया जाता है, राइट? नेक्स्ट देखिए, इट अलाउज स्टोरिंग एंड मेकिंग वेब पेजेस अवेलेबल। कह रहा है इस ऑप्शन की मदद से, इसकी मदद से हम किसी भी वेब पेज को स्टोर कर सकते हैं और वेब पेज को बना भी सकते हैं, यानी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वेब पेजेस या वेबसाइट को स्टोर करने का काम किसका है? डोमेन नेम, पोर्टिंग, वेब होस्टिंग, HTML या जावास्क्रिप्ट। तो वेबसाइट जब हमने बना ली उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं होस्टिंग ऑफ दी वेबसाइट। उसे पब्लिक डोमेन्स पर क्या करते हैं? होस्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम उसे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग अलाउज स्टोरिंग एंड मेकिंग वेब पेजेस अवेलेबल टू द पब्लिक, अवेलेबल करवाना, राइट? नेक्स्ट देखिए, विच इज द लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल दैट एम्प्लॉयज एरर डिटेक्शन। कह रहा है OSI मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है 7 लेयर्स में से, जिसका काम होता है एरर को डिटेक्ट करना? बताइए, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? तो कभी भी एग्जाम में एरर डिटेक्शन की बात की जाएगी तो आंसर होगा सेकंड लेयर, यानी डेटा लिंक लेयर का काम होता है एरर को डिटेक्ट करना। क्या आंसर होगा यहां पर? डेटा लिंक लेयर या फिर सेकंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लेयर दैट कन्वर्ट्स पैकेट्स टू फ्रेम एंड फ्रेम टू पैकेट्स इन द OSI मॉडल। कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है OSI मॉडल की, जिसका काम होता है पैकेट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना या फ्रेम को पैकेट्स में कन्वर्ट करना? तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कन्वर्ट किसको किया जा रहा है। तो लिखा हुआ है पैकेट्स टू फ्रेम, पैकेट्स की बात सबसे पहले की जा रही है,
तो पैकेट किस लेयर में डील होता है? अब आप कहेंगे कि सर पैकेट का काम होता है, राउटर का काम होता है पैकेट्स को फॉरवर्ड करना, और राउटर और पैकेट्स डील होते हैं थर्ड लेयर में यानी नेटवर्क लेयर में। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होगा, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट पैकेट्स टू फ्रेम एंड फ्रेम्स टू पैकेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ओएसआई मॉडल में फिर से ओएसआई का क्वेश्चन है और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से पूछते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी पूछ सकते हैं, एंड टू एंड डिलीवरी भी पूछ सकते हैं, या पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आंसर इस केस में क्या होगा बताइए, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, डेटा लिंक या फिजिकल लेयर। बिल्कुल सही, इन सभी केसेस में आपका आंसर बनेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज होता है, और साथ ही साथ एंड टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की भी बात होती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग हार्डवेयर कैन ऑपरेट एट एनी वन ऑफ द सेवन लेयर ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। कह रहा है ओएसआई मॉडल में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ओएसआई मॉडल के सभी लेयर्स पर काम कर सकती है, एट एनी वन ऑफ द सेवन लेयर्स, या किसी पर भी काम करने में वो कैपेबल है, ऐसी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है? राउटर, गेटवे, स्विच, मॉडम या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर होगा गेटवे। तो गेटवे इज द नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन ऑपरेट एट एनी वन ऑफ द सेवन लेयर्स ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इन द ओएसआई मॉडल ब्रिजिंग इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। कह रहा है ऐसी कौन सी लेयर है ओएसआई मॉडल में जिसका काम ब्रिजिंग करना होता है, या जिस लेयर में ब्रिज का यूज किया जाता है। तो अब आप बताइए कि ब्रिज जो कि नेटवर्किंग डिवाइस है, ये किस लेयर में यूज होती है, सेवन लेयर्स में से कौन सी लेयर में यूज होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या सिक्स्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि स्विच और ब्रिज ये दोनों ऐसी डिवाइसेस हैं जो सेकेंड लेयर पर काम करती हैं, यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करती हैं। तो आंसर क्या होगा, या तो ऑप्शन में डेटा लिंक लेयर दिया हो, या फिर क्या होगा, सेकेंड लेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्विच और ब्रिज याद रखिएगा सेकेंड लेयर पर काम करता है, हब और रिपीटर ये फर्स्ट लेयर पर काम करती हैं, और राउटर थर्ड लेयर पर काम करते हैं, यानी नेटवर्किंग लेयर पर काम करते हैं या नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। कह रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क है जो लोकल है, रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज किया जा रहा है। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएटेड फॉर प्राइवेट नेटवर्क इज नोन एज, ये प्राइवेट नेटवर्क है, लोकल है, रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रानेट, लोकल नेट, इंट्रानेट, वेबनेट या पिकोनेट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहां पर होगा इंट्रानेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जो इंप्लॉयज हैं उनके लिए जो डेडिकेटेड नेटवर्क दिया गया है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क। यानी जो सिर्फ इंप्लॉयज ही यूज कर सकते हैं, वो नेटवर्क कौन सा होगा, इंट्रानेट होगा। नेक्स्ट देखिए, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल इट इज यूज्ड। कह रहे हैं नेटवर्क में सिमिलर प्रोटोकॉल के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, हब, ब्रिज, गेटवे, डायलअप राउटर्स या मॉडम। तो कभी भी एग्जाम में सिमिलर प्रोटोकॉल गिवन हो तो याद रखिएगा इस केस में आंसर क्या होगा, ब्रिज होगा। तो सिमिलर प्रोटोकॉल के केस में आंसर ब्रिज होगा, जबकि डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में आंसर गेटवे होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, सिमिलर प्रोटोकॉल के केस में आंसर ब्रिज होगा, डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में आंसर गेटवे होगा। कोई डाउट? वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए, टेलनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। कह रहा है टेलनेट जो प्रोटोकॉल है
ये किस तरीके की प्रोटोकॉल है? साउंड, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन या ऑल ऑफ दीज? देखिए, टेलनेट प्रोटोकॉल का काम होता है रिमोट कनेक्टिविटी को क्रिएट करना। जैसे हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं रिमोटली विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। तो टेलनेट ये कैसी प्रोटोकॉल है? तो आंसर है टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। क्या आंसर होगा? दैट इज टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली लॉन्च द कंज्यूमर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 अलोंगसाइड विंडोज 11 ऑन। कह रहा है रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। क्यों? क्योंकि दो बड़े अनाउंसमेंट किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। एक अनाउंसमेंट किया है विंडोज 11 को लॉन्च करके, और दूसरा अनाउंसमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 को लॉन्च करके। तो अभी तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन था लेटेस्ट, वो 2019 था, लेकिन 2021 भी लॉन्च कर दिया गया, और विंडोज 10 के बाद विंडोज 11 भी लॉन्च कर दी गई। तो ये दोनों लॉन्च किस डेट को किए गए? ये तहलका, ये जो पटाखे फोड़े माइक्रोसॉफ्ट ने, ये किस दिन फोड़े बताइएगा? तो आंसर यहां पर होगा 5th of October 2021। ये डेट क्या है, ये ईयर कौन सा है? दैट इज 5th of October 2021, यानी बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है। तो याद रखिएगा कि विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 दोनों एक ही दिन लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और वो है 5th of October 2021। नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर अभी हाल ही में लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, कई बड़े अनाउंसमेंट किए, और उसी में एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया। तो आपको बताना है उस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में लॉन्च किया है। ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट 365, ऑफिस 2011, ऑफिस VPN या ऑफिस LTSC? करेक्ट आंसर होगा ऑफिस LTSC। याद रखिएगा LTSC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लॉन्ग टर्म सर्विसिंग चैनल, लॉन्ग टर्म सर्विसिंग चैनल। और ये कब लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने? 16th of September 2021। नेक्स्ट, अब इस तरीके का क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में, जहां पर दो नंबर्स गिवन है, बाइनरी नंबर्स, और इनके एडिशन की बात की जा रही है। तो बताइए इसका एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? तो क्या होता है एडिशन का फॉर्मूला? 1 में 0 ऐड करने पर 1 आता है, 0 में 1 ऐड करने पर 1 आता है, 0 में 0 ऐड करने पर 0 आता है, और 1 में 1 ऐड करने पर क्या आता है? 0, और कैरी हो जाता है 1। बस इसी चीज को आपको याद रखकर इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? दैट इज 101110। कैसे आया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हमने 10001, फिर 11101। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 0, कैरी चला जाएगा 1। 1 और 0 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 1, फिर 0 और 1 को ऐड करेंगे 1, देन 0 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 1, और फिर लास्ट में 1 और 1 को ऐड करने पर क्या आएगा? 0, कैरी 1। तो जो कैरी था वो भी आगे लग गया, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर ही नहीं था, तो 1 उतर के नीचे आ गया और आंसर बन गया 101110। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है। तो सबसे पहला जो वायरस है वो क्रीपर है, और सबसे पहला जो एंटीवायरस है वो रीपर है। तो आंसर क्या होगा यहां पर? रीपर इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन इंडिया इज। अभी आपने देखा कि जो सबसे पहला वायरस है वो कौन सा है? दैट इज क्रीपर, और पहला एंटीवायरस है दैट इज रीपर। लेकिन अब आपको बताना है कि सबसे पहला वायरस जो इंडिया में आया वो कौन सा था? भारत,
रीपर, सर्न, एड्स या ब्रेन? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज ब्रेन। और ये जो ब्रेन वायरस है, जो इंडिया का सबसे पहला वायरस है, ये किसने इंस्टॉल किया, ये किस कंट्री से आया भारत में? तो आपको मालूम होगा ये किस कंट्री से आया, दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो भाइयों ने मिलकर इसको बनाया था, और उनका नाम क्या था? पाकिस्तानी ब्रदर्स बैसिट एंड अमजद फरूक अलवी। अगेन, पाकिस्तानी ब्रदर्स बैसिट एंड अमजद फरूक अलवी। कब आया? 1986 में इंडिया में आया। ब्रेन वायरस ओनली स्लो डाउन द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और ये क्या करता था ब्रेन वायरस? तो ब्रेन वायरस सिर्फ और सिर्फ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्पीड को स्लो डाउन कर देता था, यानी धीमी कर देता था। तो ये फ्लॉपी डिस्क में अपना असर दिखाता था और फ्लॉपी डिस्क की स्पीड को स्लो कर देता था। ये काम था किसका? ब्रेन वायरस का। नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर टीसीएल कमांड? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा कमांड है जो टीसीएल कमांड है डेटाबेस का। तो एसक्यूएल के बहुत सारे कमांड हैं, जिसमें वन ऑफ दी कमांड है आपका टीसीएल, वन ऑफ दी लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो देखिए, ट्रांजेक्शन जब भी हम करते हैं तो क्या होता है? या तो ट्रांजेक्शन होता है या तो नहीं होता, या तो अमाउंट ट्रांसफर होता है या तो नहीं होता, या कभी कभार हो भी जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता तो आपके पास वापस आ जाता है। तो इसका मतलब दो ही चीजें होती हैं ट्रांजेक्शन को करते समय, या तो वो कमिट होता है या तो फिर रोल बैक हो जाता है, या तो वो होता है या फिर नहीं होता। और अगर गलती से वो हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता, तो इस केस में आपका अमाउंट आपके अकाउंट में रोल बैक हो जाता है ना, लिख कर आता है कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर या 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका अमाउंट आपके पास रिफंड हो जाएगा, या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो यानी ये बात किसकी हो रही है? कमिट और रोल बैक की। क्लियर है? कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांजेक्शन के केस में कमिट और रोल बैक होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर डीसीएल कमांड? डीसीएल कमांड कौन से होते हैं? तो डीसीएल का मतलब क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल करने वाली लैंग्वेज, दैट इज डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। अब हम जब डेटा को कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब किसी चीज पर कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कि हम या तो उसको राइट्स दे रहे हैं या उससे राइट्स को वापस ले रहे हैं। जैसे आपने हो सकता है कभी अपने फेसबुक के राइट्स अपने किसी फ्रेंड को दिए हों, तो इसका मतलब आपने क्या किया, उसको राइट्स दिए लेकिन फिर आपने उससे राइट्स ले भी लिए वापस। आपको लगा नहीं नहीं ज्यादा देर तक राइट्स देना सही नहीं है, तो आपने राइट्स क्या किए, उसे वापस ले ली। तो ये क्या है? आपने ग्रैंट किया और फिर आपने उसको रिवोक कर लिया, यानी राइट्स देना और राइट्स को छीन लेना। तो देना दैट इज कॉल्ड ग्रैंट, और छीन लेना वापस दैट इज कॉल्ड रिवोक। तो डीसीएल में क्या आता है? ग्रैंट एंड रिवोक। नेक्स्ट देखिए, वाईफाई यूजर्स, वाईफाई की देखिए फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी है। और वाईफाई किस तरीके की वेव्स, यानी किस तरीके की फेज को डील आउट करता है, ये आपको बताना है। फेज लाइन, रेडियो वेव्स, ऑप्टिकल फाइबर, साउंड वेव्स या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर आपका होगा रेडियो वेव्स। यानी वायरलेस फिडेलिटी जिन जिस वेव को डील करता है वो है आपकी रेडियो वेव्स। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन दी ईथरनेट एड्रेस? ईथरनेट एड्रेस में टोटल कितनी बिट होती है? 16, 32, 48, 64 या नन ऑफ दीज? तो आपको ये याद रखना है कि ईथरनेट एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, इसी को मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। तो ईथरनेट एड्रेस भी कितने बिट का होगा? 48 बिट का होगा। तो आंसर यहां पर क्या होगा गाइज? 48 बिट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क? नेटवर्क में ब्रिज का काम क्या होता है? तो ब्रिज का काम क्या होता है जरा बताइएगा? टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन को कनेक्ट करता है। टू सेपरेट द लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन को सेपरेट करता है। टू कंट्रोल द नेटवर्क स्पीड, ये नेटवर्क की स्पीड को कंट्रोल करता है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा टू कनेक्ट
लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को कनेक्ट करने का काम किसका है गाइस? ब्रिज का है। और स्विच और ब्रिज किस लेयर की डिवाइस है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये सेकेंड लेयर पर आपकी काम करती है। स्विच और ब्रिज इज अ सेकेंड लेयर डिवाइस। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये आपको बताना है। कैन थॉम्सन, रेसमस लरडॉर्फ, वॉन न्यूमैन, डेनिस रिटची या बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। तो कैन थॉम्सन ये यूनिक्स के फाउंडर हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिस्टर कैन थॉम्सन। रेसमस लरडॉर्फ ये पीएचपी के फाउंडर हैं। जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने स्टोरेज कॉन्सेप्ट दिया था, तो फाउंडर ऑफ स्टोरेज कॉन्सेप्ट हैं, या मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडर भी कहे जाते हैं मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन, या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर भी मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन हैं। डेनिस रिटची ये सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के फाउंडर हैं। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? डेनिस रिटची इज दी करेक्ट आंसर। और बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप ये कौन है? ये C++ के फाउंडर हैं। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडर बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रिकॉर्ड ओनली वंस? ऐसी कौन सी डिस्क है जो सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड हो सकती है, जिसमें एक बार ही डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है? ऐसी डिस्क कौन सी है गाइज? CDR या DVD-R, CDRW, DVD-RW, Blu-ray डिस्क, CD-RAM, DVD-RAM या none of these? करेक्ट आंसर यहां पर होगा CDR एंड DVD-R, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। DVD का मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, ये रिकॉर्डेबल मोड की होती है, दैट्स व्हाई दिस इज दी करेक्ट आंसर। जबकि RW का मतलब होता है रीराइटेबल, जिसमें बार बार लिखा जा सके, वो RW हो गई। ब्लूरे डिस्क आपकी सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली डिस्क है। CD RAM और DVD RAM है ना, ये तो कुछ होती भी नहीं, तो दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज एनी ऑफ दी स्टोरेज या ऑप्टिकल मेमोरी। तो आंसर यहां पर क्या होगा? CDR एंड DVD-R। तो कैसा लगा आपको ये 40 क्वेश्चंस का सिलसिला? आई होप सो कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। तो आउट ऑफ 40 आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताइएगा। एग्जाम में देखिए आप एक चीज याद रखिएगा कि जो शुरुआत के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस थोड़े से आसान होते हैं, और लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट होते हैं। तो कई बार कैंडिडेट को जब टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतना टफ कंप्यूटर का लेवल, और इसी कंफ्यूजन के चलते जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको कूल डाउन रहकर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर का लेवल कभी भी टफ नहीं होता, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट वाइज, MCQ वाइज, मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो बिल्कुल कंप्यूटर का लेवल बहुत आसानी से आप यहाँ पर 98-99% तक स्कोर कर सकते हैं। और आई होप कि आप करके भी आएंगे, क्योंकि कंपटीशन में 0.5 और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और अगर कंप्यूटर में आपने 99% स्कोर कर लिया, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो जो आपने सपना देखा है और जो हमारी मेहनत है वो जरूर कामयाब होगी। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आज के सेशन से अलविदा लेते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैक्सिमम सेशन को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।